Myself Jyotiraditya Supal from Rajasthan, pursuing civil engineering here. My name is Sadhwe. I'm a first year undergrad. I'm from Industrials and Systems Engineering Department. I am Nikita Amiria and I'm from Bhilwara, Rajasthan, and I'm pursuing chemical engineering. Hi guys, I am Arjav. I'm also a first grade undergrad and I am from Department of AI. I'm Yashfeen Fatima from Uttar Pradesh and I'm pursuing chemical engineering. Hi everyone, my name is Ved Modi. As my surname suggests, Modi, I am from Gujarat. अरे बेटे, मेरा नाम त्रिलोक पैकरा है, मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से हूँ. Hi guys, my name is Aditya Shinde. I am from Maharashtra and my branch is instrumentation in electrical department. मेरा नाम सुजॉय रिथि है, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ. My name is श्रेय गुप्ता. I am from mathematics and computing department. I am from Kota, Rajasthan. मेरा नाम अनिमेश नंदेश्वर है, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ. Hello everyone, I am Mangalam Sharma and as it indicates, I am Sharma ji ka beta. So I am in CSE department. Paisa hi paisa hoga. My name is Sahil Bisain from Maharashtra. I am Soham Kulkarni from Maharashtra. Kyunki maine suna hai ki KGP mein sabse high tempo rehta hai. I didn't choose it, I got it. यही मिला और तो मिला ही नहीं. आई डिड नॉट, मेरे को ये लास्ट प्रेफरेंस भरी थी और मेरे को ये लास्ट प्रेफरेंस ही बदकिस्मत से मिली. बट नाउ आई डोंट रिग्रेट कमिंग हियर. पास है इसलिए, सबसे दूर है इसलिए. ये ओल्डेस्ट है और कैंपस बहुत प्यारा है, ग्रीनरी है, दैट्स व्हाई आई चोज. एज इट इज इन टॉप 7 एंड हियर द जेंडर रेशियो इज गुड, सो ऑब्वियसली मस्त जोक मारा. मेरा फेवरेट ब्रांच सिर्फ यहीं पर था और ये फर्स्ट आईटी, और मुझे स्टेट के बाहर जाना था. सोचा था रुड़की मिल जाएगा पर भगवान की दया से मिल गया खड़गपुर, बस खुश है. इट्स इन टॉप 5 एंड मैंने यूट्यूब पे इनका वीडियो देखा था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये ले लिया. द बेस्ट पार्ट अबाउट हियर इज़ बहुत ग्रीनरी है, बहुत पीस है. तो मेरे को, क्योंकि मैं खुद विलेज से हूँ तो मेरे को उस चीज़ की आदत है, मेरे को शहर की शोर शराबा नहीं पसंद था. एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट इज़ ये पूरा का पूरा गांव ही है लिटरली. हम पाँच अभी हफ्ते भर के अंदर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर चल चुके. इतना चलना पड़ता है इसके अंदर कि पाँव दुखने लग गए. इसका लाइक कल इंडक्शन प्रोग्राम था एंड देन सोसाइटीज़ के इंट्रोडक्शन से लाइक आई हैवंट हर्ड अ क्राउड गो लाइक सो लाउड. लाइक पहले तो मैं कभी कॉन्सर्ट्स किया नहीं, बट द क्राउड वॉज सो लाउड एंड द सीनियर्स आर सो चीयरफुल. आई हैव हर्ड लाइक बाकी आईटीज में फर्स्ट मंथ में कर्फ्यू रहता, सीनियर इंटरेक्शन कुछ रहता नहीं है. कंपैरेटिवली लाइक केजीपी इतना चिल है. झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ. वर्स्ट तो ये लगा यहाँ बहुत इंट्रो वीडियो शूट होते हैं और बेस्ट ये लगा कि यहाँ कपल्स बहुत घूमते हैं, देखने में मजा आता. बेस्ट इज नेचर, बहुत अच्छा है, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं. और वर्स्ट, बहुत ज़्यादा ही चलना पड़ता है, साइकिलिंग कर भी थक जाते हैं. बड़ा है भाई, बहुत पूरा भूल भुलैया है, यहाँ वहाँ घूमने को ये एक हफ्ता लग गया रास्ते सीखने में. बेस्ट थिंग इज ये बहुत बड़ा है एंड द वर्स्ट थिंग इज ऑल्सो कि ये बहुत बड़ा है क्योंकि मुझे साइकिलिंग आती नहीं है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे चलना. प्लस यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पडल्स बन जाते हैं जिसमें मेरे शूज़ पूरे भीग जाते हैं. मेन तो इंथुजियाज्म एज इट टोल्ड, और दूसरा वो केयर फॉर जूनियर्स बाय द सीनियर्स, वो बहुत वो हमें टाइम दे रहे हैं और बहुत अलग अलग जगह पर ले जा रहे हैं. इस चीज़ तो केजीपी के बारे में सोचा जा सकता है, अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बेस्ट चीज़ भी हो सकती है. मतलब ये बहुत बड़ा कैंपस है, मतलब घूमने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. मतलब आधा टाइम घूमने में नहीं, घूमने में लगता है. मतलब और स्पेशली रात में पता नहीं है, जो कुत्ते हैं यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं, और अब बहुत सारे कुत्ते हैं ये दिन के टाइम में तो बहुत शांत रहते हैं, रात के टाइम अगर आप निकलो तो आपको भौंकने लग जाते हैं. वर्स्ट चीज़ तो मुझे ये लगी. बेस्ट चीज़ तो भाई ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो अच्छी सांस आ रही, ओ2 कंटेंट हमारे ब्लड में बढ़ चुका है.
यहाँ पे कुत्ते बहुत हैं और वो कुत्ते कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो गए, तो हम जब भी जहाँ भी घूमने जाते हैं वो हमारे साथ में चल देता है। और उसके बाद दूसरी गली के कुत्ते जब उस पर चिल्लाते तो मेरे को बचाना पड़ता है उस कुत्ते को, उन कुत्तों से, ताकि उसको वापस उसके गली में ला सकूँ मैं। रूममेट इज बंगाली, आई फियर ही विल डू समथिंग ब्लैक मैजिक समथिंग, नथिंग एल्स। अदर वन इज फ्रॉम राजस्थान, आई हैव बीन राजस्थान, दैट्स गुड, बट आई फियर अबाउट द बंगाली वन। अबे ये देखना ले वो वीडियो बेटर, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। एक्चुअली मेरे को इस चीज़ को फ्लेक्स करना नहीं था, तो इनिशियली मैंने किसी को बताया नहीं था मेरे जेई के बारे में कुछ भी, बट उसके बाद मैंने बस मज़े में एक स्टेटस स्टोरी और स्टेटस डाल दिया था, फिर पापा ने भी डाला, उसके बाद इतने कॉन्ग्रेचुलेशंस के विशेज मिले मेरे को कि आई जस्ट फील कि इतना भी कुछ नहीं करा मैंने भाई जितना मेरे को इज्जत मिल रही है। कुछ थे नॉर्मल रिएक्शन था। हाँ मतलब लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बताया मैंने भी इतना नहीं था, पर यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि इतनी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ठीक है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि बहुत दूर चली गई राजस्थान से पूरा ईस्ट साइड। मेरे यहाँ तो ऑलरेडी मेरा आधा खानदान IIT को तो जानता नहीं, और जो जानता है उनमें से आधे लोगों को लगता है कि वह कोटा में IIT है, और जिन जिन को पता है वो लोग तो बहुत खुश हुए, मैं भी खुश हुआ, और दोस्तों में अभी तो चौड़ में चलता हूँ। मेरे पापा ने तो फेसबुक पे लिखा था, तो देयर आर पीपल हु आर हैप्पी, देयर आर पीपल हु आर जेलस। Few people laughed, few people cried, most people were silent. बिल्कुल, मेरा भी मतलब जिन लोगों को पता था वो लोग बहुत खुश हो रहा था, और जिनको नहीं पता था वो लोग नॉर्मल IIT ITI सेम ही था उनके लिए। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। जिनको पता था उन्होंने बहुत बधाई दी, बाकी सब यहाँ पे जेंडर रेशियो 4:1 है, मैं जेंडर रेशियो 1:4 लेके चल रहा हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। इस चीज के लिए तो खुश भी है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, और इस चीज के लिए दुखी है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे हिसाब से लड़कियों को और आना चाहिए। हाँ सेम, यहाँ लड़कियाँ थोड़ी कम है, लड़के बहुत ज्यादा है इधर। लाइक आइडियली 50-50 होना चाहिए, बट लाइक आइडियल सिनेरियोस होते का है हमारे इधर, सो लाइक इट्स फाइन। लाइक मतलब जेंडर रेशियो है बुरा, बट लाइक नंबर भी तो है, लाइक सिंस सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स IIT KG पे भी हैं, लाइक इट बैलेंसेस आउट फॉर मी एटलीस्ट। एज इट वो लाइक 50-50 होना चाहिए, लेकिन वी कांट चेंज दैट, लाइक इट्स ओके। वैसे ये लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जेंडर रेशो के ऊपर अपना मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं ये लोग, शायद हो जाए, कुछ एक्सपेक्टेशन है इसके लिए। 1 करोड़ का है एक्सपेक्टेशन। गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। नहीं यार, 1 करोड़ तो पता नहीं कौन से जमाने में था, अब तो इन्फ्लेशन लगाया सीधे 7 करोड़। आई डोंट एक्सपेक्ट फॉर एनी गुड पैकेज, आई जस्ट हियर टू कम फॉर एक्सपोजर एंड fulfill my dreams. उतना सोचा नहीं है, 8-10 lakh. पैसा तो ज़्यादा ही चाहिए, फिर भी देखते हैं 4 साल बाद क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि 1 crore का तो होगा, ज़्यादा हो जाएगा, वो औकात से बाहर हो जाएगा, पर स्टिल ट्राई तो करेंगे कि CS के एवरेज के आसपास तो मिल जाए, जो कि 25-30, ट्राई करेंगे, बाकी तो देखते हैं। मुझे तो खूब सारा चाहिए पैसा, आई होप मेरा हाईएस्ट लग जाए इससे KGP से। दिल में लालच की भावना जो जगह किए बैठी है, उसको उखाड़ के बाहर फेंक दो, ये लालच बहुत खराब चीज है। पता नहीं कि मिलेगा या नहीं प्लेसमेंट का क्या मिलेगा, पर मेन मतलब था कॉलेज आने का कि दूसरी चीज़ें कर पाएँ, मतलब कुछ टाइम मिले कि दूसरी चीज़ें कर पाएँ, मतलब कि पढ़ाई JEE में 2 साल में सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, अकेडमिक नथिंग एल्स। तो अब मतलब प्लेसमेंट तो ठीक है अपनी जगह, पर अभी पर्सनली तो मैं सोचना ही चाहता उस बारे में, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा फिर, कि अपन CGPA बढ़ाएं और अच्छा करें, दूसरे स्किल्स डेवलप करें, तो अभी तो मैं थोड़ा चिल होकर बाकी काम करना चाहता हूँ, प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। मनी इज़ लाइक अ रियली ओवररेटेड, आई एम हियर टू हैव फन बेसिकली। मेन गोल तो बंदी पटाने का ही है, और फोकस ऑन द होल
पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बस लाइक वो सोचा नहीं है, डेफिनेटली एकेडमिक्स पे फोकस करना है। लाइक दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड कि यू हैव टू फोकस ऑन योर एकेडमिक्स सिंस द फर्स्ट सेमेस्टर। सो आई विल गो विद सेमेस्टर लाइक अबव 9, नॉट अबव 9, लाइक अबव 8.5 एट लीस्ट। बंदा तो ऑफ कोर्स नहीं 10C, बट ऑब्वियस 10C। आपने बोला कि बंदा नहीं, क्योंकि इधर LGBT के लिए भी कम्युनिटी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। फर्स्ट प्रायोरिटी तो पढ़ाई है, पर सेकंड प्रायोरिटी बिल्कुल बंदी है, और कुछ नहीं है। दोनों नहीं करना अभी तो। आई हैव टू लाइक मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड ज्वाइन लॉट ऑफ सोसाइटीज एंड टेक पार्ट एज मच एज आई कैन इन डिफरेंट एक्टिविटीज। फर्स्ट प्रायोरिटी एकेडमिक्स, लास्ट प्रायोरिटी एकेडमिक्स। सीनियर, ताकि उसकी इंटर्नशिप पहले लगेगी ना, तो एक तो वहाँ पे वो कंपनी में मेरा वो लगवा भी देगी रेफरेंस, और उसके बाद खर्चे भी उठा लेगी। सीनियर, मुझे तो सीधे शादी करनी है अपने से बड़े से ही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जूनियर ही, क्योंकि मैं अपने बैच में हमेशा छोटा ही रहा, फिर एज मतलब रिस्ट्रिक्शन आ जाता है फिर आगे में। लाइक दिस इज़ अ रियली कॉर्नी वन। लाइक कोचिंग में है ना ये सब लाइक बोलते थे कि हे कैन आई मेजर द एरिया अंडर योर कर्व्स। आई एम गोइंग टू से वन पिकअप लाइन इफ देर वॉज अ गर्ल। आई से दैट तुम कहीं भी जाना, बस आगरा मत जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग ताजमहल को छोड़कर तुम्हें देखे। वेल आई रिकमेंड नॉट टू, क्योंकि यहाँ पे तो उसमें तो टाइम वेस्ट बहुत होगा, बट स्टिल अगर करना है तो थोड़ा लड़की टू लड़की डिपेंड करता है, बट हाँ थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड रहो, पर्सनैलिटी अच्छी रखो, काफ़ी है। मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ ऐसी सारी चीज़ों में, तो मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। सेम, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये डेटिंग वेटिंग में। ये एग्जिस्ट करती है, लड़के मर जाते हैं। मेसी या रोनाल्डो? ज्यादा फुटबॉल फॉलो नहीं करता, बट बोता लेजेंड्स। रोहित गुरुनाथ शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली। टैलेंट यहाँ तो नहीं दिखा सकते यार, खुले में ऐसा टैलेंट है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थोड़ा सा बेसुरा गाने की कोशिश करता हूँ। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी, मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ऐ जिंदगी कैसी बनती सुहानी, मुझे हर पल तेरे साथ रहना है। तुम कुछ अधूरे से, हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपने एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियां भगा देंगी हर गम को, तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो।